हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारा संविधान क्या है। और आज की इसकी वर्कशीट की डेट है 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हम तो आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है, संविधान क्या है। तो देखते हैं भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका यहाँ पे लिखी गई है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य। तो भारत की बताइए कि भारत कैसा राज्य है, लोकतांत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिकों को बनाने के लिए संविधान लिखा गया था। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए भी संविधान लिखा गया था। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाई थी इन्होंने। धर्म की, विश्वास की, विचार अभिव्यक्ति सभी स्वतंत्रता संविधान की तरफ से हमें दी गई थी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए कि सभी को समान अवसर मिले, ये भी क्या हमारे संविधान में लिखा गया है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुता बढ़ाने के लिए भी संविधान लिखा गया था। मतलब एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भी संविधान बनाया गया था। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में इसकी सम्मत लिखे हुए को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये बताया गया कि इसमें कब संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान सभा में ये हमारा संविधान लिखा गया था। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम आगे देखते हैं वर्कशीट हमारी। प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दिखाई गई हमारे पास, क्या भीमराव अम्बेडकर है जिन्होंने संविधान लिखा था। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनका पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बात, अगर आपके स्कूल में कानून नहीं होंगे, अगर कोई बच्चा कभी क्लास चल रही है वो बाहर निकल जाएगा, तो नियम नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी कोई बच्चा कहीं पाएगा तो वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार देश को भी ढंग से चलाने के लिए कानूनों की और नियम की आवश्यकता होती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को हम संविधान कहते हैं। तो जिस दस्तावेज में ये सभी नियम और कानून लिखे गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान में बताते हैं कि सारे जो पीपल हैं इंडिया के वो इक्वल हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में दूसरी डेफिनेशन इसकी, संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिसमें किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मूल सिद्धांत भी है इसमें और दृष्टांत भी का समूह है, जिससे क्या होता है कोई भी राज्य या कोई भी संगठन है वो आराम से चल सकते हैं। यही बात जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर रूल नहीं होंगे तो स्कूल ढंग से नहीं चल पाएगा, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी। उसी प्रकार अगर देश में नियम नहीं होंगे तो देश भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ठीक है, मौलिक कानून है, इसी की वजह से क्या होता है, जो सरकार है वो अच्छे से कार्य कर पाती है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर इसका नाम इनका आपने नाम बहुत बार सुना होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति क्या, जिन्होंने जो संविधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके वो क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। मतलब इतना टाइम लग गया था हमारे संविधान को बनाने के लिए। और वो टाइम क्यों लगा था, क्योंकि हमें हर एक देश के मतलब अपने देश के हर एक लोगों को ध्यान में रखे हुए संविधान बनाना था। ये नहीं कि हमें सिर्फ अमीरों का ध्यान रखना है, गरीबों का ध्यान नहीं रखना, तो हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखे हुए संविधान बनाया गया था, इसलिए इसको बनाने में इतना टाइम लग गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस देश का संविधान
सबसे लंबा संविधान है तो वह है इंडिया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 1950 में इसको 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। तभी तो हमारे देश में ये क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना 26 जनवरी को, तो इसी वजह से बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फर्स्ट पार्ट, भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया था, तो हमने अभी पढ़ा कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। ठीक है, आप इसमें आंसर लिख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, डैश को संविधान का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है संविधान का जनक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप ये आंसर लिख लेना इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये पूरा टाइम इसमें लगा था तब जाके हमारा संविधान बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, तो ये हमारे पास आंसर है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो संविधान क्या है, एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। इन्हीं को आप काट देना, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान हमें क्यों चाहिए, तो इसका आंसर है, राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है, ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार और विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख लेना, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस किया आपके साथ, समझ में आई है होगी आपको, अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से देखिएगा, अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।